Hey there all, how are you? So this is Vidal Shah once again from Triple M and एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है into this wonderful hashtag Ask Triple M series. बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन करने में, यहाँ पे उसके वीडियोस बनाने में and the people are appreciating a lot also and thank you very much all the viewers for giving such a wonderful response to the series and to our YouTube channel. और अगर आप कहीं पे भी स्टक होते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जो 10 साल 15 साल से भी कर रहा है ना, तो उसको भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उसको भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड दे विल प्रिफर टू यू नो गेट द गाइडेंस फ्रॉम द कंसल्टेंट एज वेल. बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आपको आंसर दे रहे हैं. तो कोई भी क्वेरी आती है जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स हैं या जो नए एंटर हो रहे हैं उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो कोई भी क्वेरीज आती है कमेंट में डाल दीजिए या फिर हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर दीजिए या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर दीजिए, वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए. वी विल गिव यू अ कॉल बैक और किसी भी तरीके से आपके एक्सपोर्ट को बिजनेस को आगे बढ़ाना है, राइट. तो आज के क्वेश्चन की बात करें, सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रियांश जैन और प्रियांश जी ने ऐसा पूछा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट वी डू हैव टू फॉलो, राइट. अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाते हैं सो हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एंड what are the benefits being provided by the government of India to participate and what procedure do we have to follow to get that international government benefit aid being a delegate into the international trade. So please make a video on that. So Priyan ji ka question basically ye hai ki agar international trade fairs jo hote hain usme participate kaise kara jaye, government usme kya kya benefits provide karti hai aur us benefits ko avail karne ke liye हम लोगों को क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा वो, ताकि हम लोगों को डेलीगेट बना के वहां पे भेजे, डेलीगेशन के अंदर भेजे, तो उसके अंदर हम लोग कैसे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं. सो प्रियांश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन. और यहाँ पे दो बातें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं. एक सबसे पहले होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और दूसरा होता है डेलीगेशन. दोनों अलग अलग चीजें हैं. पहले अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करूं तो वहां पे आप दो तरीके से जा सकते हैं. एक जा सकते हैं उसको विजिट करने के लिए जहां पे गवर्नमेंट आपको कोई भी बेनिफिट्स अभी नहीं दे रही है. प्रायोरली बिफोर फ्यू इयर्स वो सारी सिचुएशन थी जब विजिट करने के लिए भी, मार्केटिंग करने के लिए भी आपको अलग से बेनिफिट दिया जाता था, बट नाउडेज देयर इज नो बेनिफिट बीइंग गिवन बाय विजिटिंग ओनली. तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सिर्फ बाहर होते हैं ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर भी होते हैं. सो यू कैन पार्टिसिपेट इनटू दैट एज वेल. तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो या इंडिया में हो रहे हैं या जो बाहर हो रहे हैं, उसके अंदर जब आप स्टॉल लगाते हो, जब आप पार्टिसिपेट करते हो, बूथ अक्वायर करते हो टू मार्केट योर प्रोडक्ट, टू मार्केट योर सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट, तो वो जो बूथ के अंदर, बूथ जो आप लगाते हो उसके जो चार्जेस होते हैं, राइट. अगर एग्जीबिशन बाहर है तो आने जाने का जो टिकट का खर्चा है या वहां पे जिस होटल में आप रुक रहे हो उसका जो खर्चा है, इन सारे एक्सपेंसेस के अंदर आपको सब्सिडी दी जाती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स इनटू दिस स्पेसिफिकली फॉर पार्टिसिपेटिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रेड फेयर. एक है एमडीए जिसको बोला जाता है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, और दूसरा है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेनिफिट, एमडीए एंड MAI. तो ये कहां से मिलते हैं और उसको अवेल कैसे करना है. जब भी आप पार्टिसिपेट करो, मतलब जैसे कोई भी एग्जीबिशन अनाउंस होता है बाय द ऑर्गेनाइजर, अब ये ऑर्गेनाइजर होते हैं या उसके अंदर जो स्पॉन्सर्स होते हैं या जो कोलैबोरेटिव एजेंसीज होती है. फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई रेडीमेड गारमेंट्स का एग्जीबिशन हो रहा है जिसको कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन उसके अंदर एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है, तो उसकी जो बॉडी है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कैन बी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC. तो अब AEPC इस एग्जीबिशन को अनाउंस करेगा. जब वो अनाउंस करेगा तभी उसी के उसके टर्म्स और कंडीशन में ये लिखा हुआ रहेगा कि इस एग्जीबिशन में हम लोग एमडीए दे रहे हैं या MAI दे रहे हैं और कितना परसेंटेज दे रहे हैं और क्या क्या चीजों को कवर कर रहे हैं. कभी कभार ऐसे एग्जीबिशन होते हैं जिसके अंदर एयर टिकट्स या होटल चार्जेस नहीं होते हैं, सिर्फ बूथ के चार्जेस के अंदर आपको कुछ बेनिफिट दिया जाता है, 70-80% या 50% बेनिफिट दिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. कुछ एग्जीबिशन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर और एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लाइक जैसे आप हम लोग देखते हैं कि होटल के चार्जेस या फिर एयर टिकट वगैरह भी दिया जाता है, राइट. और डोमेस्टिकली अगर एग्जीबिशन हो रहे हैं तो सिर्फ आपको बूथ के चार्जेस के अंदर सब्सिडी भी दिया जाता है अराउंड 60-70-80% एज वेल. तो ये हो गया स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जिसके अंदर दो बेनिफिट होते हैं, एमडीए MAI, उसके ऑर्गेनाइजर जो होते हैं या जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होते हैं या जो हमारी जो जैसे
नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट बॉडीज होती है, CII हो गया या FICCI हो गया, सो दे आर ऑल्सो अनाउंसिंग दिस टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर. अवेल कैसे करना है, तो जब आप उसको अप्लाई करते हो, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये होता है, तो जो भी 20 या 25 लोगों को या उसके अंदर एंटरटेन करा जाता है, तो आपको एप्लीकेशन करने में सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, जल्दी से करना पड़ेगा, एज सून एज इट इज अनाउंसिंग आपको वहां पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा. एंड रैंडमली और बेसिस ऑन सम क्राइटेरिया लाइक इफ यू आर एक्सपोर्टिंग फर्स्ट टाइम और इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम एंड यू आर एट द बिगिनिंग लेवल टू प्रमोट यू टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजों क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करते हुए वो आपको ये बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली देयर विल बी द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंगली वो रैंडमली भी चूज कर सकते हैं या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जितनी भी आई है एप्लीकेशन उसके बेस के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो गया, इन दैट केस यू विल गेट इट डन. अदरवाइज आप दूसरे तीसरे जो भी एग्जीबिशन आते हैं उसके अंदर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं. आप एप्लीकेशन करोगे, आपका सिलेक्शन हो गया कि भाई आपको ये MBA बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट यू नीड टू पे द होल चार्जेस, सारे आपको जैसे रीइंबर्समेंट होता है ना वैसे ये सब्सिडी आपको दी जाती है, तो पहले आप पूरा पे कर दीजिए, फिर एग्जीबिशन का खत्म होते ही वो लोग आपको सब्सिडी वापस दे देते हैं द अमाउंट व्हाट दे आर गोइंग टू गिव यू बैक, तो वो आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है. सो दैट इज द बेनिफिट दैट यू कैन गेट इट डन. डेलीगेशन वाली जो चीजें हैं, जैसे डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, इट इज बिजनेस डेलीगेशन which is normally being organized by CII and FICCI या some cases के अंदर export promotion councils भी उसको organize करते हैं. तो ये जो भी export promotion करने वाली जो भी agencies हैं, जो भी bodies हैं, वो delegations को लेकर जाते हैं या तो delegations को invite करते हैं. If you want to be a part of this delegation, you need to apply again. They will announce the delegation and accordingly you need to apply. उस delegations में भी they are not giving any extra reimbursement or subsidy kind of, but what they will give economy rates. I mean, agar aap kahin pe foreign mein ko delegation jata hai, jaise I think 2017 ya 18 mein FICCI jo hai wo with the help of ya with the collaboration chamber of commerce indo german chamber of commerce ke sath un logon ne germany ka organize kiya tha. But agar aap wahan pe 15 din 20 din rukte ho ya 7-8 din ka jo delegation hote hain, उसका जो नॉर्मली चार्जेस होता है अगर आप अपने हिसाब से जाते हो एंड व्हाट यू आर पेइंग राइट बाय स्टेइंग देयर बाय लोकल ट्रांसपोर्टेशन एयर टिकट्स, उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है, बहुत कम. यू कैन से 40-50% का डिफरेंस हो सकता है व्हाट दे आर गोइंग टू गिव यू. सो कंपैरेटिवली द डेलीगेशंस, इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डेलीगेशंस, डेफिनेटली इट इज अ मोस्ट वंडरफुल चांस अपॉर्चुनिटी टू जनरेट टू क्रिएट योर एक्सपोर्टिंग फॉर बिजनेस. तो ये दो तरीके हैं जब आप अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर या इंटरनेशनल डेलीगेशन का अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर और स्पॉन्सर एजेंसीज और द एक्सपोर्ट प्रमोशनल बॉडीज राइट वॉट दे आर गोइंग टू गिव यू अंडर द MBA, MAI या डायरेक्टली फिर आपको डेलीगेशन के अंदर इकोनॉमी रेट देकर आपको बेनिफिट करवाते हैं राइट. सो होपफुली प्रियान जैन जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ है, कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, अगर आप पूछना चाहते हैं, सो यू कैन मेक अ कॉल ऑन द गिवन नंबर या फिर से कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए, विजिट अवर वेबसाइट वहां पे इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए एंड हम लोग आपको सामने से कॉल बैक भी कर देंगे. सो थैंक यू वेरी मच.